हेलो बॉयज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बाइक्स एंड बॉयज। सो यार, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो नेकेड बाइक का, दो ऐसी नेकेड बाइक जो अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करती हैं, काफ़ी अच्छी अपनी क्वालिटी को बिल्ड किए हुए हैं और काफ़ी अच्छी मार्केट में इन दोनों ही बाइक की सेलिंग भी है। एक बाइक ऐसी है जो एक समय पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, उसका एक अब न्यू वर्जन निकल आया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। लेकिन फिर भी आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो अच्छी खासी नेकेड बाइक के बारे में और आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी बाइक इनमें से लेना है, या मैं अपना ओपिनियन भी रखूँगा कि कौन सी बाइक आप ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। आज के हमारे इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं MT15 और हॉर्नेट 2.0 का। और यदि आपको और किसी बाइक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के कुछ इंजन परफॉर्मेंस के बारे में और इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यदि दोनों ही बाइक के हम डिज़ाइन और लुक्स के बारे में बात करते हैं तो दोनों ही नेकेड बाइक में आती हैं और काफ़ी अच्छे आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। MT15 में रिसेंटली एक न्यू कलर्स लॉन्च हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे देखने में लगते हैं। और यदि हम हॉर्नेट 2.0 की बात करते हैं तो इसका जो रेपसोल एडिशन है वह काफ़ी अच्छा देखने में लगता है, एक आपको रेसिंग एडिशन जैसा देखने को लग जाता है। और साथ ही जो इसके ग्राफिक्स हैं जैसे कि ब्लू कलर में या फिर रेड कलर में, तो काफ़ी अच्छे हुए देखने में लगते हैं। यदि MT15 से हम ग्राफिक्स की बात करते हैं तो हॉर्नेट 2.0 कहीं ना कहीं थोड़ी सी आगे निकल जाती है। तो लुक्स और डिज़ाइन में लगभग सिमिलर हैं दोनों ही बाइक, लेकिन फिर भी जो फ्रंट पोर्शन है वह थोड़ा सा MT15 का अट्रैक्टिव लगता है। इसकी जो दो आंख और एक नाक जैसी जो हेडलाइट है वह काफ़ी ज़्यादा आई कैची लगती है देखने में। दोनों ही बाइक में आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं हम इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम MT15 के बारे में बात करते हैं तो इस बाइक में आपको 155 cc का लिक्विड कूलिंग सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 19 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है 10,000 RPM पर, और साथ ही अप्रॉक्सीमेट 15 Nm का टॉर्क जनरेट करती है बाइक 8,500 RPM पर। इस बाइक में यदि हम गियर सिस्टम की बात करते हैं तो आपको 6-speed गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी इसमें वाइब्रेशन को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर यदि हम वाइब्रेशन की बात करते हैं तो MT15 में आपको काफ़ी कम वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम हॉर्नेट 2.0 के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इस बाइक में आपको 184.5 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 17.5 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है 8,500 RPM पर। यहाँ पर आपको 16.1 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है 6,500 RPM पर। इस बाइक में यदि हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो आपको 5-speed गियर बॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि MT15 से एक गियर कम है। दोनों ही बाइकों की यदि हम फ्यूल कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको MT15 में केवल 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो इसकी राइडिंग रेंज को अप्रॉक्सीमेट 400 से 450 किलोमीटर तक कर देती है। तो इसका यदि हम माइलेज देखते हैं तो आपको 40 से 45 kmpl तक के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। वहीं यदि हम हॉर्नेट की बात करते हैं तो वहां पर आपको 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। माइलेज आपको दोनों बाइक का लगभग सेम देखने को मिलता है, लेकिन इस बाइक में 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी के कारण इस बाइक की राइडिंग रेंज अप्रॉक्सीमेट 500 और 550 किलोमीटर तक हो जाती है। ब्रेकिंग की यदि यहाँ पर हम बात करते हैं तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको लगभग सिमिलर देखने को मिल जाती है। दोनों ही बाइक में आपको डुअल डिस्क देखने को मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही बाइक में आपको थोड़े से चेंजेस देखने को मिल जाते हैं ब्रेकिंग के डायमीटर के। जैसे कि आपको MT15 में 282 mm का फ्रंट में और 220 mm का रियर में ब्रेक देखने को मिल जाता है, वहीं आपको जो हॉर्नेट 2.0 में है उसमें आपको 276 mm और रियर में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। लेकिन दोनों ही बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS सिस्टम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यदि हम यहाँ पर सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन में थोड़ी सी आपकी जो हॉर्नेट 2.0 है वह आगे निकल जाती है। इसमें आपको USD फोक के अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में, और मोनोशॉक सस्पेंशन आपको रियर में देखने को मिल जाते हैं। वहीं यदि हम MT15 की बात करते हैं तो उसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक और रियर में आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि सस्पेंशन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी सस्पेंशन में आपको हॉर्नेट 2.0 में थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। यदि यहाँ पर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो कर्व वेट लगभग दोनों ही बाइक का सेम है, 140 kg के आसपास दोनों ही बाइक
प्रेफर करती हैं तो काफ़ी अच्छा कर्बेट है। यदि हम इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करते हैं तो दोनों ही बाइक में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है, लेकिन जो MT15 में आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं वह आपको 102.2 में देखने को नहीं मिलते। साथ ही इस बाइक में आपको VVS सिस्टम भी देखने को मिल जाता है जो कि R15 V3 के जैसे ही है MT15 में, तो ये सिस्टम आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलते। साथ ही असिस्टेंट स्लिपर क्लच का भी ऑप्शन आपको MT15 में देखने को मिल जाता है। अगर हम LED लाइट्स की बात करते हैं तो दोनों ही बाइक में आपको फुल LED सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। इंडिकेटर्स को छोड़ दें तो आपको सभी कुछ LED फॉर्म में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यदि हम दोनों ही बाइक की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी प्राइस सेगमेंट पर दोनों ही बाइक बिलोंग करती हैं, काफ़ी अच्छी CC की या काफ़ी अच्छी पावर और परफॉर्मेंस दोनों बाइक रखती हैं। अब फाइनल बात कर लेते हैं हम इनके प्राइस के बारे में, तो 140,000 रुपये के आसपास एक्स शोरूम प्राइस है MT15 की, वहीं पर 130,000 रुपये के आसपास एक्स शोरूम प्राइस है हॉर्नेट 2.0 की, तो यहाँ पर 10,000 रुपये का अंतर आ जाता है। लेकिन यदि हम MT15 में देखते हैं तो वहाँ पर आपको कम CC में थोड़ी सी अच्छी पावर देखने को मिल जाती है और थोड़े से ज़्यादा फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही बाइकें नेकेड वर्जन की हैं तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर बाइक हैं। तो यदि हम दोनों ही बाइक में से कोई एक बाइक चूज़ करना चाहें तो यदि आपका बजट थोड़ा सा हाई हो सकता है तो हम MT15 के साथ में जा सकते हैं। उसमें आपको थोड़े से ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, स्लिपर क्लच और आपको एक दो फीचर और अच्छे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यदि आपके पास थोड़ा सा बजट कम है तो आप होंडा 2.0 के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़े से कम फीचर देखने को मिलेंगे, एक गियर कम देखने को मिलता है, लेकिन जो लुक्स देखने को मिलते हैं वह काफ़ी अच्छे लगते हैं अदर किसी 150 CC के बाइक से। जैसे कि आपको पल्सर 150 से भी अच्छे ग्राफिक यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और अपाची 164 भी से भी अच्छे ग्राफिक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि वो बाइक अलग एक मैटर की हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको दोनों ही बाइक में से कोई एक चूज़ करना है तो बजट के हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। बाकी दोनों ही बाइक में कोई कमी नहीं है, बस एक गियर सिस्टम की कमी है जो कि आपको वाइब्रेशन देखने लगेंगे थोड़े से हॉर्नेट 2.0 में। तो उम्मीद है कि आपको कंपैरिजन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपके साथ एक और किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।